कल प्रातः काल यदि आप चाहें तो मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रवचन करूं कि बच्चे कॉलेज के टॉपर कैसे बने। कल रविवार है क्या? कौन कौन चाहते हैं बच्चे कॉलेज के टॉपर, आपके या पोते पोतियाँ कॉलेज के टॉपर बने? कौन कौन चाहते हैं? चाहते हो तो उनको लेके आओ। अच्छा, आप लोग कभी घर में कोई सामान रख के भूल भी जाते हो कि नहीं? अच्छा, भूले हुए सामान को जब याद करने की कोशिश करते हो तो कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी याद नहीं आता। जो भूला हुआ सामान याद ही नहीं आ रहा है, एक महीने तक याद नहीं आ रहा, दो महीने, चार महीने, छह महीने, उसे भी याद करने की टेक्निक। अरे बोलो, जानना चाहते हो? उसे भी जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहते हो? वेद में है टेक्निक। अगर आपका बच्चा पढ़ाई करके भूल गया, गुरुजी ने पढ़ाया तो था ये तो याद है, पर उसे भूल गया और भूला हुआ पाठ याद ही नहीं आ रहा है, एक महीने तक कोशिश कर ली, साल भर कोशिश कर ली, याद ही नहीं आना है, परीक्षा भवन में बिल्कुल भूल गया है, बोलो उसे भी याद करने की टेक्निक जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अरे बोलो, तो तहलका मचा दो जीव में कि आज समाज जीव नगर में कॉलेज के टॉपर कैसे बने, यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे बने। विद्यार्थी पाठ भूल गए हो तो जो भूला हुआ पाठ याद नहीं आ रहा हो उसे भी याद कैसे कर सके, इस विषय का प्रवचन कल प्रातःकाल जो 12 बजे तक की सभा है उसमें रखेंगे। और जो अपने बच्चों को ज्यादा बढ़िया बनाना चाहे वो आगे बैठाना, ठीक है, आगे बैठाना, और जिनके बच्चे यहाँ नहीं है वो लाइव प्रसारण करके उनको सुनवा देना, और स्वयं भी आगे बढ़ करके बैठना, समय से पीछे वालों को समझ में कम आएगा, ठीक है। तो कल का प्रवचन क्या होगा? टॉपर कैसे बने, अपने मन के द्वारा हम कॉलेज के टॉपर कैसे बने, यूनिवर्सिटी के टॉपर कैसे बने। तो मेरे मन में अभी अचानक ध्यान में आया कि भाई कल तो छुट्टी का दिन है, इस विषय को दे देते हैं, कठिन तो नहीं लगेगा? नहीं। हाँ, तो सुनिएगा इस विषय को, आइडिया जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा है, शांति पाठ करें। ओम यौ शांति अंतर शांति पृथ्वी शांति आप शांति नो सदया शांति वनस्पतय शांति शिवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 आत्मानंद महाराज।